प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भोपाल में वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान ट्रेन में पीएम मोदी ने बच्चों से बात की और वो काफी घुले मिले नजर आए। सबसे पहले पीएम मोदी ने जब बच्चों से वंदे भारत ट्रेन के बारे में पूछना शुरू किया तो बच्चों ने ऐसे जवाब दिया। क्या अच्छा लगा? बिल्कुल वैसा फील होता है यहाँ पे। आपको क्या लगा? मुझे इसके इंटीरियर जो डिजाइन है और जिसके सीट है और जो इसकी फैसिलिटी है वो अच्छी लगी। सबसे बड़ी चीज कौन सी? सबसे दिव्यांग के लिए अच्छी फैसिलिटी। क्या अच्छा और क्या अच्छा लगा सर? मुझे इसके जो ऑटोमेटिक डोर्स है वो सबसे अच्छा। अच्छा डोर अच्छा लगे। अच्छा आपका इस बात पे ध्यान गया कि मेड इन इंडिया है? यस सर। तो इसका गर्व हो रहा है? यस सर। फिर बच्चों ने अपनी तरफ से पीएम मोदी के सामने कुछ पेश किया। किसी ने अपनी कविता सुनाई तो किसी ने श्लोक का उच्चारण किया। इसके साथ साथ बच्चों ने क्या क्या बातें की सुनिए। अभी योगा दिवस गया कब गया? Yes, तो आप लोगों ने योगा किया? Yes, सब लोग? Yes, टीचर ने बोला इसे किया कि ऐसे नहीं कर सकते? आप लोग घर में भी करते हैं? Yes, तो योग करें, हम योग करें, रोग हमारे दूर करें, मिला जो वरदान हमें उसका हम उपयोग करें, कहें संजीवनी बूटी जिसने दिए हमें ये प्राण, ये ऐसा योग है जिससे होगा जन का कल्याण। शाबाश। ये कौन सा आसन है? ये वृक्षासन। वृक्षासन इससे क्या फायदा होता है सर? इससे सबसे पहले तो जो धरती की एनर्जी वो हमें प्राप्त होती है, ये हमारे हाइट के लिए भी एडवांटेजियस है। करीब 70 साल के बाद स्वाभाविक रूप से बैलेंस जो ये रेगुलर आसन करता है उसको कभी जीवन में ये समस्या नहीं होती। आप में से मिलेट्स खाने वाले कौन से? रेगुलर सर वो खाते हैं। आपने बनाया? यस। कितना समय लगा है इसमें? एक दिन। अच्छा आप लोगों ने कभी ये सोचा कि एक हफ्ते तक जेब में एक भी पैसा लिए बिना बिल्कुल खाली एक भी पैसा और UPI से ट्रैवल करना और कहीं से भी पेमेंट देना तो UPI से देना? डिजिटल इंडिया की वजह से कर पाओगे? जो एक पूरा सप्ताह कुछ भी नहीं खरीदेगा कैश से और वो मुझे फिर बताएगा चिट्ठी लिख करके।